उज्जैन में सड़क चौड़ी करने के लिए 18 धार्मिक स्थल हटाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है और धरने पर बैठ गए हैं। घटना उज्जैन के केडी गेट इलाके की है। केडी गेट से इमली तिराहे तक सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। इस बीच रास्ते में आने वाले धार्मिक स्थलों को हटाया जा रहा है, जिसका विरोध हो रहा है। तो 18 धार्मिक स्थल हैं जिन्हें हटाना पड़ेगा अगर सड़क को चौड़ा करना है। सड़क को चौड़ा करने के बीच में ये धार्मिक स्थल आ रहे हैं। 485 मकानों को भी पुलिस ने हटाया है। ऐसे में धार्मिक स्थलों को हटाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। सड़क को चौड़ी करने के लिए प्रशासन ने कुछ मकानों को भी हटाया है। 485 की संख्या में मकानों को हटाया गया है और अब धार्मिक स्थल को हटाने का जब नंबर आया तो लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में देखिए महिलाएं भी यहां पर बैठ गईं सड़क के बीचों बीच, कार्रवाई को रोकने के लिए, कार्रवाई को बाधित करने के लिए। देखिए ये केडी मार्ग जो केडी गेट चौराहे से लेकर इमली तिराहे तक का जो यहां पर मार्ग का चौड़ीकरण होना है, इस संबंध में कुछ निर्माण हटाए जाने थे और ये निर्माण हटाने की कार्रवाई सुबह प्रारंभ कर दी गई थी सूर्योदय के साथ ही, और शांतिपूर्वक यहाँ पर कार्य चल रहा है। जो विभिन्न इमारतें थी जिनमें कुछ धार्मिक इमारतें भी थी और कुछ रहवासियों के मकानों के भी इसमें कुछ एरिया आ रहा था, उन सभी को आपसी समन्वय के साथ में हटा दिया, हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जी सर, कितने धार्मिक स्थल यहाँ पर हटाए? देखिए जो कुल चिन्हित स्थल हैं वो 38 के करीब हैं। इनमें कुछ धार्मिक स्थल हैं और कुछ रहवासियों के मकान हैं। देखिए स्वाभाविक है, चूँकि इस प्रकार की कार्रवाइयों में कई बार असहयोग भी होता है, असहमति भी होती है, पर आपसी सहयोग और समन्वय के साथ में कार्रवाई जारी है और निरंतर चलती रहेगी। देखिए ये केडी मार्ग जो है केडी गेट चौराहे से लेके इमली तिराहे, उज्जैन के केडी गेट से इमली तिराहे तक जो है 485 मकान का अतिक्रमण हटाया गया था, जिसमें 20 मकान और 18 मंदिर मस्जिद जो थे वो बाधा बन रहे थे, जिनको लेकर काफ़ी समय से कार्य भी रुका हुआ था। लेकिन आज नगर निगम की टीम ने सुबह से ही इसकी कार्रवाई को अंजाम दिया है, लेकिन कुछ जगहों पर हल्का फुल्का विरोध देखने को मिला, लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद जो है अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू हो गई है। जल्द ही पूरे क्षेत्र को क्लीन कर दिया जाएगा और इसके बाद जो जिस प्रकार की जो बाधाएँ उत्पन्न हो रही थी उनको जो है जल्द पूरा कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही क्योंकि माना जा रहा है कि 2028 में जो सीएस आ रहा है, सीएस के दौरान यहाँ से कई श्रद्धालु गुजरते हैं, उस दौरान काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इसी को ध्यान में रखते हुए इस रोड का चौड़ीकरण किया गया है। अजय पटवानी, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। और अब बात टीकमगढ़ की, जहाँ सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार। वहीं मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आरोप लगाया कि सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के भविष्य को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। उन्होंने सुटेबल कॉलेजेस की दोबारा जांच की मांग की है। एनएसयूआई मेडिकल विंग के नेता रवि परमार ने कहा कि विश्वास सारंग के चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस खोले गए। इन कॉलेजेस के पास ना तो तय मानक के मुताबिक बिल्डिंग थी और ना ही हॉस्पिटल। हमको सीबीआई पर कोई विश्वास ही नहीं है। और दूसरी चीज, सीबीआई का इस पूरे निरीक्षण के दौरान उसका असली विद्रूप चेहरा पूरे देश के सामने उजागर हो गया है कि ये सीबीआई का असली रूप है। किस पर भरोसा करोगे आप बताओ? ये ऐसा पहले ही करना चाहिए था कि कोई हाईकोर्ट का कोई रिटायर्ड जस्टिस हो, न्यायमूर्ति हो, और उसके नेतृत्व में जिला अदालत के 2 जज हो। इस तरह से अगर 3 लोगों की कमेटी बनाते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ इसके निष्कर्ष निकल के आते हैं। सीबीआई तो पार्टनर हो गई, आपको नहीं पता है सीबीआई ने पैसे तो लिए ही। सीबीआई ने प्राइवेट कॉलेज के लोगों से ये कहा कि ये कॉलेज हमारे पटाने भाई को आउटसोर्स कर दो। एक और एफआईआर कर दी गई, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह प्रयास किया कि मैं जेल से बाहर ना आ पाऊं, क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की पूरी परतें उजागर करने में नर्सिंग छात्रों ने मेरा पूरा सहयोग दिया और आप सभी मीडिया साथियों ने मेरा सहयोग किया, उसकी वजह से ही आज मध्य प्रदेश में नर्सिंग महाघोटाला उजागर हुआ है।
हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे शैलेंद्र भदौरिया को रुक कर लेते हैं। शैलेंद्र, अब जमकर इस मामले को लेकर सियासत हो रही है। तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश के तत्कालीन जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे विश्वास सारंग, उन पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को उठाने में एनएसयूआई की मेडिकल विंग के जो छात्र हैं रवि परमार, उनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उन्होंने तमाम जो दस्तावेज है वो सीबीआई को सौंपे थे। और जब 308 कॉलेजों में से 169 कॉलेजों को जब क्लीन चिट दी गई थी, तो उसी मामले को लेकर सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों से रवि परमार के द्वारा ही शिकायत इस पूरे मामले में की गई थी। और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक और रवि परमार के द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता की गई और कहा कि इस पूरे मामले में केवल सीबीआई के अधिकारी या फिर कॉलेज के संचालक ही अकेले दोषी नहीं है, बल्कि दोषी है नर्सिंग काउंसिल के वो तमाम लोग जो जिम्मेदार पदों पर रहे, जिनके द्वारा जो अनियमितताएं थी जिन कॉलेजों में, उसके बावजूद भी उनको मान्यताएं दी गई। और मध्य प्रदेश सरकार के जो तमाम जो नेता हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई हो रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि केवल 23 लोगों को आरोपी बनाया गया, उसमें से भी अधिकांश लोग जो है वो सीबीआई या फिर नर्सिंग कॉलेज के लोग हैं, लेकिन जो इस पूरे सर्कल में जुड़े हुए थे, खासकर जो नेता हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस का ये सवाल है। शैलेंद्र भदौरिया बने रहिए हमारे साथ। मिथुन अहिरवार कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथुन, सीबीआई जांच को लेकर संतुष्ट क्यों नहीं है कांग्रेस, क्योंकि वो तो काम कर ही रही है, कार्रवाई भी लगातार हो रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस सीबीआई की जांच की बात हो रही है, उस सीबीआई का इंस्पेक्टर इस मामले में गिरफ्तार हो गया, तो किस तरीके की सीबीआई जो जांच हो रही है, कैसे लाखों रुपए की रिश्वत ली गई है, वो सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जिस हमारे युवा कार्यकर्ता रवि परमार ने इस मामले का खुलासा किया, उसके विवाह के 10 दिन बाद जब उसके हाथों से मेहंदी नहीं छूटी थी, उसको मारा पीटा गया, उसका पूरे शहर में जुलूस निकाला गया, तो आप जो इस घोटाले के असल आरोपी हैं, भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री की ये जिम्मेदारी है कि उनके विभाग का घोटाला हुआ तो वो आइडेंटिफाई करें कौन कौन लोग उसके जिम्मेदार हैं और नैतिक रूप से जिम्मेदारी दें। तो उनके ऊपर की जिम्मेदारी क्यों भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर रही है? मेडिकल काउंसिलिंग, ये नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के जिस नॉर्म्स को इन लोगों ने फ्लाउट किया, तो उसके खिलाफ केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर के कार्रवाई करे। लेकिन जो कार्रवाई की हम लोग, एक तो सीबीआई जो जांच है वही व्यापम की भी सीबीआई जांच हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सीबीआई केंद्र की संस्था भी जो है ढंग से जांच नहीं कर पा रही है, उसको कुछ अधिकारी गिरफ्तार हो रहे हैं, पता चलता है किस तरीके से। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, कांग्रेस कह रही है कि सीबीआई के नाम जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है, बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश हो रही है। देखिए, वो कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचारियों के साथ गठबंधन में है, एनडी गठबंधन में जो केजरीवाल के साथ पार्टी है, जिनके तमाम बड़े छोटे नेता भ्रष्टाचार के मामले में कोई जेल में कोई बेल में है, ऐसा कांग्रेस एनडी गठबंधन है और ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। सीबीआई के भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ा किसने? कांग्रेस ने पकड़ा, सीबीआई नहीं पकड़ा ना। सीबीआई ने कार्रवाई करी, सीबीआई ने बर्खास्त किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार की बातचीत करने में आनंद आता है और जनता इनके आरोपों को अस्वीकार करती है। सीबीआई ने कार्रवाई करी, जो बिचौलिए थे वो गिरफ्तार किए, सीबीआई के इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करके बर्खास्त किया, दो इंस्पेक्टर जो एमपी पुलिस से डेपुटेशन पे थे वो निलंबित किए गए हैं, 85,000 लोग अरेस्ट किए गए हैं, पैसा बरामद किया गया है, लोग जेल में है, कार्रवाई जारी है। तो यदि सीबीआई कार्रवाई नहीं करती तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की आपत्ति थी, लेकिन कांग्रेस की आपत्ति अपर्णा जी सिर्फ खाली राजनीतिक प्रोपोगंडा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस, इनकी पीड़ा यही है कि इनको न खाऊंगा न खाने दूंगा हजम नहीं हो रहा। ये तो खाते भी तो खाने भी देते थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार रोक रही, किसने अरेस्ट किया? मैं तो सवाल खड़ा कर रहा हूँ कांग्रेस से, किसने अरेस्ट किया सीबीआई के भ्रष्ट अधिकारियों को? लेकिन वो कह रहे हैं तमाम कागजात जो उपलब्ध तो रवि परमार ने ही करवाए थे ना, और उनके साथ जो सलूक किया गया उसका, उस पर कार्रवाई कब होगी? देखिए, ये तो अपने मुंह मियां मिट्टू बनना है, सबके नाम लेने के हमने कराया था। मध्य प्रदेश में एक लंबे समय से नर्सिंग के जो विषय में विसंगति थी उसकी जांच चली, कोर्ट के स्तर में मामला है, हाई कोर्ट के निर्देश पर बहुत सारी कार्रवाई हो रही है, सीबीआई की जांच के बाद प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को राजनीति करना है, बिल्कुल राजनीति करे, पर ऐसे विषय जिससे मध्य प्रदेश के छात्रों का, नौजवानों का भविष्य जुड़ा है। जवाब,
देखिए भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर लेगा कहना क्या चाहती है। पहले कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की रवि परमार जी के आरोपों पर, इसलिए वो कोर्ट गए, उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। कह रहे साहब हमने पकड़ लिया, रवि परमार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है कि उनके निर्देश पर कार्रवाई हो रही है। सीधी बात यह है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री की कोई जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी मानती है कि नहीं इस मामले में, या हर मामले की तरह अपने नेता को बचाने की उनकी मंशा है। और हम लोग जो बार बार कहते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, कहते हैं सीबीआई पाक साफ है, तो अगर सीबीआई के भी अधिकारी रिश्वत लेते फिर रहे हैं तो केंद्र सरकार उस सीबीआई के खिलाफ क्या कर रही है। रिश्वत ली तो पकड़े भी गए ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए हमारे साथ। शैलेंद्र भदौरिया आपका भी धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए कि किस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस हमलावर है कि छोटी मछलियां पकड़ी जा रही है, जो मगरमच्छ है वो कब पकड़ा जाएगा। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिन के बिहार के गया दौरे पर हैं। सीएम मोहन यादव ने विष्णुपद मंदिर में पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने देश प्रदेश के कल्याण के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। एमपी सरकार ने किर्गिस्तान में रहने वाले छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली के नंबर 01126772005 पर जानकारी ले सकते हैं। वल्लभ भवन भोपाल का नंबर है 07552708055, 07552708059 पर आप मदद ले सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आश्वस्त किया है कि सभी छात्र सकुशल अपने घर लौटेंगे। भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने छात्रों से मुलाकात की है।